हम सब जब क्रिसमस की प्रिपरेशंस और सेलिब्रेशंस कर रहे थे, तब यूएसए के कुछ एरियाज में नजारा कुछ ऐसा था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये वंस इन अ जनरेशन स्टॉर्म है, जिसने यूएसए और कनाडा में टेम्परेचर्स को रिकॉर्ड लो तक पहुंचा दिया है। यस, एज लो एज -40 डिग्रीज, सीवियर स्नोफॉल, स्ट्रॉन्ग विंड्स और एक्सट्रीम कोल्ड वेव्स बनाने वाले स्टॉर्म का नाम है एलियट, और ये स्टॉर्म एक बॉम्ब साइक्लोन में डेवलप हो गया था। तो इस स्टॉर्म के बनने का रीजन क्या था, ये बॉम्ब स्टॉर्म क्या होता है, और क्या ऐसे स्टॉर्म्स इंडिया में भी देखने को मिल सकते हैं? इस स्टॉर्म के रीजन को समझने के लिए हमको पहले ग्लोब के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। ग्लोब के इस रीजन को मिड लेटिट्यूड्स कहा जाता है, और इस एरिया की हवा आर्कटिक रीजन की हवा के मुकाबले गर्म होती है, और जब ये वार्म एयर आर्कटिक रीजन की कोल्ड हवा से मिलती है तो यहाँ एयर प्रेशर में डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, और इन्हीं डिस्टरबेंसेस को मिड लेटिट्यूड स्टॉर्म कहा जाता है। और एलियट स्टॉर्म भी कुछ ऐसे ही बना था, और धीरे धीरे एक बॉम्ब साइक्लोन में कन्वर्ट हो गया। एक्चुअली साइक्लोन्स को बॉम्ब साइक्लोन तब कहा जाता है जब एयर प्रेशर का डिफरेंस 24 घंटे में 24 मिलीबार्स तक ड्रॉप हो जाए। ये सीवियर स्टॉर्म 21 दिसंबर से 26 दिसंबर 2022 तक एक्टिव रहा। इस दौरान एलियट स्टॉर्म की वजह से यूएस और कनाडा के 250 मिलियन लोग अफेक्ट हुए हैं, और इस स्टॉर्म ने अराउंड 30 लोगों की जान भी ली है। एलियट स्टॉर्म ने यूएस की बफलो सिटी को हिट किया था, और 18 आवर्स से भी कम टाइम में यहां का टेम्परेचर 70 डिग्रीज तक लोअर कर दिया, और ऐसा 3 डेकेड्स के बाद हुआ है। इनफैक्ट न्यूयॉर्क के बफलो सिटी में 566.4 मिलीमीटर स्नोफॉल रिकॉर्ड किया गया, जो पिछले रिकॉर्ड 320 mm से कहीं ज्यादा था। एंड ऑब्वियसली इसकी वजह से थाउजेंड्स ऑफ फ्लाइट्स भी कैंसिल हुई, पावर आउटिंग्स भी हुए, और कई जगह क्रिसमस सेलिब्रेशन भी नहीं हो पाया। और अनफॉर्चुनेटली ऐसे सीवियर डिजास्टर्स अब रेयर से कॉमन बन रहे हैं, और साथ ही इनसे होने वाला डिस्ट्रक्शन भी हमें काफी कॉमनली फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि इनको बढ़ावा देने वाले भी हम ह्यूमंस ही हैं। कैसे? वेल, ग्रीन हाउस गैसेस और कार्बन इमिशंस की वजह से आर्कटिक रीजन अर्थ के बाकी पार्ट्स के कंपैरिजन में ज्यादा जल्दी गर्म हो रही है, और टेम्परेचर के इसी डिसबैलेंस की वजह से जेट स्ट्रीम्स का फॉर्मेशन होने लगता है। जेट स्ट्रीम्स एक स्पेशल तरह की हवा होती है जो 20,000 से 50,000 फीट की ऊंचाई में वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती है, और बॉम्ब साइक्लोन्स के फॉर्मेशन के लिए परफेक्ट कंडीशंस क्रिएट कर देती हैं, जिसका रिजल्ट हमने एलियट स्टॉर्म में देख लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ऐसे स्टॉर्म्स इंडिया में भी आ सकते हैं? वेल, एग्जैक्टली ऐसे ही स्टॉर्म तो नहीं कह सकते, पर ऑब्वियसली दिन पर दिन खराब होते एनवायरमेंटल बैलेंस की वजह से किसी ना किसी तरह का क्लाइमेट क्राइसिस तो फेस करना ही पड़ सकता है। इनफैक्ट हमने रीसेंट पास्ट में सीवियर फ्लड्स, फॉरेस्ट फायर्स, हीट वेव्स, कोल्ड वेव्स जैसे कई एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखे हैं, जिसमें लोगों की जानें तो गई हैं, साथ ही साथ लोगों के घर और लाइवलीहुड्स भी बर्बाद हुए हैं। वेल, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है ये तो मुझे नहीं पता, पर इस प्रॉब्लम को डिस्कस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज कोई वर्ड नहीं है, अब ये हम सब फेस कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा, तो इस वीडियो को शेयर करके और लोगों को क्लाइमेट क्राइसिस के बारे में जरूर बताइएगा, सो दैट और लोग समझें कि ये एक सीरियस सिचुएशन है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट वीक। हम ऐसे ही एनवायरनमेंट अवेयरनेस पे फिल्म्स बनाते हैं, तो अगर आप एनवायरनमेंट को लेकर थोड़ा सा भी सीरियस हैं और उसे सेव करना चाहते हैं, तो आप इको फ्रीक्स नाम के फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम ऐसे लोगों की कम्युनिटी बनाना चाहते हैं जो एनवायरनमेंट के बेटरमेंट के लिए कुछ कर रहे हों। तो अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं या आप खुद कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो आप इस ग्रुप में जाके पोस्ट कर सकते हैं, सो दैट और लोगों को इसके बारे में पता चले। लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू एंड टेक केयर।